नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान के पाठ 18 परिसंस्था इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये पाठ 18 परिसंस्था उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है हवा, पानी, खनिज, मृदा, ये परिसंस्था के खाली जगह घटक है। ऑप्शन में क्या दिया गया, भौतिक, सेंद्रीय, असेंद्रीय। इसके उत्तर में आएगा भौतिक, हवा, पानी, खनिज, मृदा, ये परिसंस्था के भौतिक घटक हैं। दूसरे में क्या दिया गया, परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र, ये खाली जगह परिसंस्था के उदाहरण है। इसके ऑप्शन में दिया गया भूतल, जलीय, कृत्रिम। इसके उत्तर में आएगा जलीय, परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र, ये जलीय परिसंस्था के उदाहरण है। तीसरे में क्या दिया गया, परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी, खाली जगह, समूह में समाविष्ट होता है। ऑप्शन में दिया गया उत्पादक, भक्षक, विघटक। इसके उत्तर में आएगा भक्षक, परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी, भक्षक, समूह में समाविष्ट होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उचित जोड़िया मिलाओ। उसमें से उत्पादक है, परिसंस्था है, इसका हमको जोड़िया मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा कैक्टस, मरुस्थलीय, जलीय वनस्पति, जली, मैंग्रोव, खाड़ी, पाइन, जंगल। आप लोगों के बुक में यहाँ पे क्लोरोफाइसी लिखा हुआ है और खाड़ी के जगह पे सागर लिखा हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मेरे विषय में जानकारी लिखो। उसमें से पहला है परिसंस्था, हमको परिसंस्था के बारे में बताना है, उसके बारे में जानकारी लिखनी है। तो इसके उत्तर में आएगा परिसंस्था की संरचना, परिसंस्था के आसपास के आदिवासों में स्थित जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य होने वाली आंतरक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। सजीवों को जैविक तथा निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के एक दूसरे से परस्पर अन्योन्य संबंध होता है। परिसंस्था में वनस्पतियां उत्पादक के रूप में, प्राणी भक्षक के रूप में तथा सूक्ष्म जीव विघटक के रूप में कार्य करते हैं। विघटक पदार्थों का अपघटन करके पुनः उन्हें प्रकृति को लौटा देते हैं। इस अपघटन प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों घटकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अकार्बनिक घटक पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार किसी भी अच्छी परिसंस्था में वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर के अवशेष पुनर्चक्रीकरण के द्वारा पुनः प्रकृति में लौटा दिए जाते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, बायोम्स। इसके उत्तर में आएगा बायोम समान संरचना वाली कई छोटी परिसंस्थाओं का एक विशाल संग्रह है। एक विशिष्ट बायोम्स में समान जलवायु, समान जैविक घटक तथा समान सजीव पाए जाते हैं। बायोम्स के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला भू परिसंस्था अथवा बायोम्स तथा दूसरा जनीय परिसंस्था अथवा बायोम्स। भू परिसंस्था का अस्तित्व केवल भूमि पर होता है। अजैविक घटकों के आधार पर भू परिसंस्था के निम्नलिखित उप प्रकार होते हैं, उदाहरण घास के प्रदेश, सदाबहार वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन, विषुवत वृत्ति वर्षा के वन इत्यादि। जली परिसंस्था में मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था तथा खाड़ी परिसंस्था का समावेश होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, भोजन जाल। इसके उत्तर में आएगा किसी भी परिसंस्था के जटिल पोषण के संबंधों से भोजन जाल निर्मित होता है। प्रकृति में किसी भी परिसंस्था में भोजन श्रृंखला सीधी तथा रेखीय नहीं होती है, परंतु ये भोजन श्रृंखलाएं जटिल होती हैं। एक भक्षक को भक्षक खाता है, परंतु यही भक्षक दूसरे भक्षक का भक्ष भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मेंढक विविध प्रकार के कीटकों का भक्षक है, परंतु मेंढक का भक्षक सांप है तथा सांप को बांझ अपना भक्ष बनाता है। यही पक्षी अन्य कीटकों अथवा मेंढक को खाकर अपना भरण पोषण करता है। इस प्रकार किसी भी परिसंस्था के जैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से जटिल भोजन जाल निर्मित होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, वैज्ञानिक कारण लिखो। उसमें से पहला है
परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का भोजन बनाने की क्षमता होती है। वनस्पतियां स्वयं पोषी होती है। इनमें सौर ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। वनस्पतियां अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके कार्बनिक भोजन का उत्पादन करती हैं। इसलिए परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, बड़े बांधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। इसके उत्तर में आएगा जब एक विशाल बांध का निर्माण किया जाता है तो मूल भूभाग परिवर्तित हो जाता है। वृक्षों की कटाई के कारण निर्वनीकरण होता है। निर्वनीकरण होने से वन्य जीव अपना प्राकृतिक अधिवास खो देते हैं। कई वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं। बड़े बांध के निर्माण से बड़े पैमाने पर वनस्पतियों तथा प्राणियों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। विशाल बांध में संग्रह किए गए पानी के कारण भूमि पर अनावश्यक दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण भूकंप आ सकते हैं। मानव के निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके आवास तथा खेत नदी के पानी में जलमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारणों से बड़े बांधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दुधवा जंगल में गैंडों का पुनर्वसन किया गया। इसके उत्तर में आएगा दुधवा वन उत्तर प्रदेश में स्थित है। लगभग डेढ़ सदी पूर्व दुधवा वन एक सिंगी गैंडों के लिए बड़ा आश्रय स्थल अथवा अधिवास था, परंतु 20वीं सदी में अंधाधुंध शिकार के कारण गैंडों की यह प्रजाति खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में आ गई। इसलिए 1 अप्रैल 1984 को गैंडों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक सिंगी गैंडे को वहां लाया गया। पिंजड़ों में गैंडों का प्रजनन करने के बाद गैंडों को उनके प्राकृतिक अधिवास में छोड़ दिया गया। सर्वप्रथम गैंडों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक बड़े भूभाग का चयन किया गया। इस भूभाग का क्षेत्रफल 27 वर्ग किलोमीटर था। इसमें घास का मैदान तथा वन भी स्थित था। इस भूभाग में प्राकृतिक जल स्रोतों द्वारा वर्ष भर सतत पानी की आपूर्ति भी उपलब्ध थी। इस क्षेत्र में गैंडों की परियोजना को सफल बनाने के लिए 2 निरीक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए। अब दुधवा को एक सिंगी गैंडों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसंस्था पर क्या परिणाम हुआ है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानव की जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक है। दूसरा, परंतु परिसंस्था में मानव सर्वोच्च भक्षक होता है। परिसंस्थाएं अन्य सभी सजीवों की भांति मानवों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। तीसरा, फिर भी अत्यधिक जनसंख्या के कारण मानव की मांग अधिक होती है। प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपभोग मानव द्वारा किया जाता है। चौथा, बदलती हुई जीवन शैली, उपभोक्तावाद, प्रकृति का निम्नीकरण तथा प्रदूषण इत्यादि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मानव द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। पृथ्वी पर ऐसे बदलाव मानव के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और पांचवा है, इन सभी क्रियाकलापों के कारण परिसंस्थाओं पर तनाव बढ़ गया है। मानव की विशाल जनसंख्या बड़े पैमाने पर ठोस अपशिष्ट भी उत्पन्न करती हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण कैसे जिम्मेदार है। इसके उत्तर में आएगा, जब लोगों को पर्याप्त भोजन तथा अन्य सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वे शहरों की ओर अधिगमन करते हैं। शहरों में लोगों को उद्योग कारखानों के कारण रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक दिन कई लोग शहरों की ओर अधिगमन करते हैं। अतः शहरों में लोगों की आबादी बढ़ने के कारण शहरीकरण में वृद्धि होती है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवास की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। इस कारण शहरों के आसपास स्थित कृषि भूमि, दलदली भूमि, आर्द्र भूमि, वन तथा घास के मैदान इत्यादि की कमी हो रही है। शहरों में हो रहे निर्माण कार्य, विकास कार्य के कारण प्राकृतिक परिसंस्थाओं का विनाश हो रहा है। मानव के हस्तक्षेप के कारण परिसंस्थाओं में बदलाव हो रहे हैं। परिसंस्थाओं की भूमि का उपयोग विकास कार्यों में करने के कारण कई प्राणियों तथा वनस्पतियों के अधिवास का विनाश हो गया है। परिणाम स्वरूप प्राणियों तथा वनस्पतियों की कई प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो गई। प्राकृतिक वनों के समीप स्थित बसे हुए नए शहरी क्षेत्रों में मानव तथा जंगली जीवों का
संघर्ष सामान्य सी बात हो गई है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, प्राकृतिक परिसंस्था में बड़े बदलाव लाने वाले युद्ध क्यों होते हैं? इसके उत्तर में आएगा, कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य भूमि, पानी, खनिज संपत्ति इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों के कारण विवाद होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक तथा राजनीतिक मतभेदों के कारण विभिन्न राष्ट्रों में युद्ध होते हैं। कई बार धर्म तथा जातीयता के कारण विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण शांति की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप युद्ध आरंभ हो जाता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, परिसंस्था के घटकों के बीच होने वाले आंतर क्रिया स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, पहला, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि अजैविक घटक हैं। ये सभी अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। परिसंस्था की वनस्पतियों, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों को अजैविक घटक प्रभावित करते हैं। दूसरा, अजैविक घटकों के प्रकार जैविक घटकों के उत्तर जीविता को निर्धारित करते हैं। जैविक घटकों की जनसंख्या अजैविक घटकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तीसरा, परिसंस्था में पाए जाने वाले अजैविक घटकों का अनुपात बदलते रहता है क्योंकि जैविक घटक अजैविक घटकों का उपयोग करते हैं अथवा उन्हें मुक्त करते हैं। और चौथा है, प्रत्येक जैविक घटक अपने आवश्यक अजैविक घटकों के साथ आंतर क्रिया करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जैविक घटक अपने आसपास के अन्य जैविक घटकों के साथ भी आंतर क्रिया करते हैं। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, सदाबहार वन, जंगल और घास वाले प्रदेश, इन परिसंस्थाओं में प्रमुख अंतर बताओ। तो यहाँ पे सदाबहार वन, जंगल और यहाँ पे घास वाले प्रदेश। तो सदाबहार वन में पहला क्या आएगा, पृथ्वी के पृष्ठभाग के 7% भूभाग पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। घास वाले प्रदेश में पहला, पृथ्वी के पृष्ठभाग के 30% भूभाग पर घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं सदाबहार वन में। दूसरा, सदाबहार वनों में पृथ्वी के आधे से अधिक भूभाग पर पाए जाने वाले वनस्पतियां तथा प्राणी पाए जाते हैं घास वाले प्रदेश में। दूसरा, घास वाले प्रदेशों में चरने वाले प्राणी पाए जाते हैं सदाबहार वन में। तीसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन घने तथा अनेक स्तरों वाले होते हैं घास वाले प्रदेश में। तीसरा, घास वाले प्रदेशों में लंबी घास पाई जाती है। इस प्रदेश में जंगली घास तथा कुछ पेड़ भी हो सकते हैं सदाबहार वन में। चौथा, सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं घास वाले प्रदेश में। चौथा, घास वाले प्रदेशों में वर्ष भर औसतन 20 से 35 इंच वर्षा होती है सदाबहार वन में। पांचवा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं और घास वाले प्रदेश में। पांचवा, पृथ्वी के कई भागों में घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करो। मतलब यहाँ पे देखो ये चित्र दिया गया, इसके बारे में हमको बताना है। इसके उत्तर में आएगा, आकृति में मरुस्थल की परिसंस्था को दर्शाया गया है। मरुस्थल की परिसंस्था में हरा कैक्टस तथा ताड़ का वृक्ष उत्पादक है। मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए मरुस्थल में बहुत कम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर मिट्टी रेतीली होती है। मरुस्थल के भक्षक भी सीमित होते हैं। आकृति में दर्शाया गया ऊंट मरुस्थल का प्राथमिक उपभोक्ता या भक्षक है। ऊंट ने स्वयं को मरुस्थली जीवन के लिए अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए कैक्टस मरुद्भिदी अनुकूलन दर्शाता है। अब अगला चित्र करते हैं। यहाँ पे देखो ये चित्र दिया गया है, इसका वर्णन करना है। इसके उत्तर में आएगा, आकृति में जंगल की परिसंस्था को दर्शाया गया है क्योंकि हम आकृति में बाघ और हाथी देख सकते हैं। इसी प्रकार आकृति में वृक्ष पर बैठा हुआ विशाल धनेश हार्नबिल नामक पक्षी भी दिखाई दे रहा है। यह जंगल उष्णकटिबंधीय अथवा विषुवत वृत्तीय प्रदेशों का सदाबहार वन जंगल होना चाहिए। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमि, झील इत्यादि जलाशय देखी जा सकती है। आर्द्र भूमि विविध प्रकार के वन्य जीवों के जीवन में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर एक अलग जलीय परिसंस्था का अस्तित्व है जो भू परिसंस्था से भोजन श्रृंखलाओं तथा भोजन जाल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पक्षी मछली को भक्ष्य के रूप में खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। वन्य जीव झील आर्द्र भूमि का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 18 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।